हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, अक्सर हम बात करते हैं शनि देव की, शनि महाराज की, शनि की साढ़े साथी, शनि की ढैया आदि की, लेकिन कई बार कितने लोग होते हैं, स्पेशली जब मैं खुद सोचती थी, छोटी थी तब मैं सोचती थी ये होता क्या है शनि देव, क्योंकि देखने में इनका विशाल भयानक सा रूप था और शायद देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगते थे, लगता था पता नहीं अजीब सी फीलिंग होती थी। पर दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता गया, समझ आता जाता है कि शनि के बिना हम अधूरे हैं, क्योंकि ज़्यादातर समय हमारे जीवन का हम शनि देव की छाया में बिताते हैं। कैसे? क्योंकि दोस्तों, क्या होती है शनि की साढ़े साथी? कोई भी मनुष्य इससे नहीं बच सकता। शनि की साढ़े साथी मतलब जीवन में शनि के साढ़े सात साल शनि की छाया में हम रहते हैं। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, पर एक मनुष्य के जीवन में कम से कम चार बार शनि की साढ़े साथी आती है, तीन बार में ऐसा माना जाता है, तीसरी शनि की साढ़े साथी आते आते तक मनुष्य का जीवन अंत हो जाता है। मगर आपके कर्म अगर अच्छे हों, अगर आपने अच्छे कर्म किए हो, तो चौथी साढ़े साथी तक आप जरूर जाते हैं। दोस्तों, आपके जो भी कर्म होते हैं, अच्छे बुरे, उसका फल शनि देव देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि शनि देव के आपको ये उपाय ना करने पड़े, तो आपको सीधी सीधी बात है, कर्मों को अच्छा रखना चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए, पति पत्नी को कभी भी एक दूसरे को धोखा नहीं देना चाहिए, धर्म के अनुकूल एक दूसरे से आचरण करना चाहिए, अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रहना चाहिए, राष्ट्र के साथ अपनी भारत माता, अपनी मिट्टी जो है धरती माता, उनके साथ आपको गलत काम नहीं करना चाहिए, दगा नहीं देना चाहिए। घर में सुख शांति के लिए आपको नियमित रूप से तेल का दीपक जला करके मंगलकारी शनि मंत्र, नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, इस मंत्र का आपको रेगुलर जप करना चाहिए। दो माला का जप कम से कम हर शनिवार को करें। अगर ये ना कर सकें, तो आप ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। अनुकूल फल प्राप्ति के लिए आपको शनि के जो 10 नाम मैंने बताया, या शनि अष्टोत्तर का पाठ आप करें, वो भी आपके लिए बहुत बहुत फायदेजनक होता है। अगर किसी प्रकार के आप कानूनी मामलों में फंस गए हैं, तो आपको नियमित रूप से सुबह शाम ओम सूर्य पुत्रो दीर्घ देहो विशालाक्षः शिव प्रियः मंदचार प्रसन्न आत्मा पीड़ा हरतु मे शनि, इस मंत्र का दो माला का जप आपको सुबह शाम जरूर करना चाहिए। आप देखेंगे कैसे आपके जीवन से सभी प्रकार के शनि दोष या कानूनी जो भी आपके प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही है, वो सभी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, कुछ चीज़ें आपको शनिवार के दिन ध्यान रखनी चाहिए। ये तो हुई पूजा का तरीका, आप लोहे की अंगूठी धारण करें, घोड़े की नाल की अंगूठी बनवा करके धारण करें, नौका की कील की अंगूठी बनवा कर धारण करें, अपने घर के बाहर अगर आपको लगता है किसी ने घर पर कुछ नज़र बाधा डाली है, तो आप घर पर उल्टा करके, उल्टा यू बना करके आप घर के बाहर आप घोड़े की नाल लगा सकते हैं। बहुत सारे उपाय जिससे हम बचा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ हैबिट्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए, जो काम है वो हमें नहीं करना चाहिए। अक्सर क्या होता है, फ्राइडे सैटरडे संडे वीकेंड्स आते आते संडेज को काफ़ी सारे मार्केट्स क्लोज रहते हैं, तो कुछ लोग जो लोकल मार्केट्स जाते हैं, वो लोग सैटरडे को शॉपिंग करने निकल जाते हैं। दोस्तों, शॉपिंग तो आप करते हैं, पर आपको मैं बता दूँ, ये अशुभ माना गया है। शनिवार के दिन बहुत सारे कामों को अशुभ माना जाता है। तेल तो बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, ये तो आप सभी को पता ही होगा। सरसों का तेल शनिवार को खरीदना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन तेल खरीदने से घर में नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होते हैं, जिससे अशुभ घटनाएं हमारे घर पे होने लगती है, कार्यों में बाधाएं आने लगती है। साथ ही साथ अगर इस दिन कोई आपसे कुछ मांगने आ जाए, तेल मांगने आ जाए, तो आपको नहीं देना चाहिए। काले कुत्तों को सरसों के तेल से बना हुआ हलवा खिलाना चाहिए, इससे आपकी शनि की दशा टलती है। अगर आप हलवा नहीं खिला सकते हैं, तो आप रोटी में थोड़ा सा सरसों का तेल चुपड़ करके काले कुत्तों को आज के दिन ज़रूर दें। दोस्तों, शनिवार के दिन सरसों या किसी भी पदार्थ का तेल आप खरीदें, वो रोगकारी होता है, इसलिए शनिवार के दिन बिल्कुल इग्नोर करें। आपको कोई भी तेल खरीदना ही नहीं है।
सेकंड चीज जो आपको शनिवार के दिन नहीं लेनी चाहिए वो है नमक। दोस्तों नमक हमारे जीवन में, हमारे भोजन का सबसे ज़्यादा अहम हिस्सा है, खाते ही। और साथ ही साथ ज्योतिष में मैं बताती हूँ, नमक से घर पे पोंछा लगाएं, नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। तो दोस्तों जब घर में मैं पोंछा लगाने बोलती हूँ आपको नेगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए, तो आप खुद सोचे बाहर से जब आप नमक लेके आएंगे तो उस जगह की नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। नमक खरीदना है तो बेहतर है आप शनिवार के बजाय किसी भी दिन खरीद लें। शनिवार को नमक खरीदना उस घर पर कर्ज लाता है और साथ ही साथ रोगों को जन्म देने का कारण बन सकता है। इसलिए आज के बाद ध्यान रखें, नमक आपको शनिवार के दिन बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं, लोहे की चीजें आदि खरीद लेते हैं, लोहे का सामान, चाहे वो कैंची हो चाहे कोई भी चीज हो। शनिवार को लोहे का सामान क्रय करना या खरीद बेच करना, बेचना भी ठीक नहीं माना जाता है। किसी भी रूप में आप अगर लोहे के सामान की डील करते हैं तो उससे शनिदेव कुपित हो जाते हैं। यहाँ तक कि अगर आप लोहे का बिजनेस भी करते हैं तो आप डील करके रख दें, आप पेमेंट आदि शनिवार के दिन आपको नहीं करनी चाहिए। लोहे का सामान दान करना शनिवार के दिन में सबसे बेस्ट माना जाता है। इस दिन चीज़ों के, लोहे की बनी हुई चीज़ों के दान करने का महत्व आता है। शनि देव की कोप दृष्टि जो होती है वो निर्मल पड़ती है। इसके अतिरिक्त आप शनि देव यंत्रों से होने वाली दुर्घटना से भी बचते हैं। अगर आप चाहें तो शनि देव के यंत्र आप स्थापित कर सकते हैं दोस्तों, पर आपको शनि देव का यंत्र ऐसे ही स्थापित नहीं करना चाहिए घर पे। आप ठीक से फिर ज्योतिष से कुंडली दिखा करके अगर एग्जैक्टली प्रॉब्लम हो तो ही शनि देव के यंत्र से आपको घर पे स्थापित करना चाहिए, वरना हम बताते हैं कि घर पे शनि देव और काली माँ इन दो को स्थापित नहीं किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह के कुछ प्रॉब्लम है तो आप शनि देव के आप मंदिर जाएं, वहाँ पर दें। कोई भी अगर शनिवार के दिन बहुत सारे लोग तेल लेने के लिए आते हैं, घर घर घूमते हैं, आप उनको तेल का दान कर सकते हैं। चेहरा तेल के बाउल में अपना चेहरा देख करके, अपनी परछाई का उस दिन दान करना तेल में देख करके, ये बहुत लाभकारी माना जाता है। साथ ही साथ अगर आप कैंची आदि भी है कपड़े काटने के लिए, कागज़ काटने के लिए, ऑफिसेज में जनरली ध्यान नहीं देते हैं, शनिवार के दिन मंगवा लेते हैं कैंची आदि पेपर कटिंग के लिए, चाकू अगर नाइफ जो पेपर नाइफ होती है वो आ जाती है और हम जाने अनजाने ध्यान भी नहीं देते हैं, हम लोहा अपने घर पे ले आते हैं। दोस्तों कपड़ों के कारोबारी टेलर आदि शनिवार को नई कैंची नहीं खरीदते हैं। आप विश्वास करें, आप पूछ के देखें उनको, कभी कोई भी शनिवार के दिन नई कैंची या लोहे का सामान नहीं खरीदते हैं, क्योंकि इससे माना जाता है घर में कलह होती है, रिश्तों में तनाव आते हैं। अगर खरीदनी है तो आप किसी दूसरे दिन खरीदें। इसके अलावा दोस्तों काले तिल शनिवार के दिन, काले तिल बाबा को बहुत पसंद हैं और अगर आप उनको शनिवार के दिन काले तिल चढ़ाएं, पीपल पर काले तिल चढ़ाएं तो पापों का नाश होता है। दोस्तों तिल कैसे यूज़ करते हैं, तिल क्यों यूज़ करते हैं, तिल चढ़ाना, तिल का दान करना, जो भी पिछले पाप है या जो भी पाप कर्म जाने अनजाने किए गए हैं उनको चढ़ाने से दूर होते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आज चढ़ा दिया कल फिर पाप करने निकल गए, क्योंकि भगवान फिर ज़बरदस्ती किए गए पापों की माफ़ी नहीं देते हैं। सर्दियों में काले तिल शरीर को पुष्ट करते हैं, ठंड से मुकाबला करने के साथ साथ शरीर की गर्मी को बरकरार रखते हैं। पूजा में हमेशा बताती हूँ कि इनका उपयोग कैसे करना है और पीपल के वृक्ष पर तो काले तिल चढ़ाने का नियम आता ही है। शनिवार को काले तिल आपको नहीं खरीदने चाहिए और इस दिन काले तिल खरीदने से कार्यों में बाधाएं आने लगती है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना है, शनिवार के दिन आपको काले तिल बिल्कुल नहीं खरीदने हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपने बचपन से देखा होगा कि मम्मी पापा कभी भी सैटरडे को शॉप्स में जा करके चप्पलें दिला के नहीं लाते थे। दोस्तों वो सही करते थे, पहले ज़माने में दुख कम थे। या छोटी छोटी बातें, मुझे नहीं पता इसका क्या साइंटिफिक रीज़न हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं देखती थी कि पहले ज़माने में लोगों के दुख कम थे, छोटी छोटी बातें शायद वो हमारे दिमाग पे मेंटली असर करते थे, हमारे इमोशंस कंट्रोल होते थे। दोस्तों एक छोटी सी चीज़ है जूते नहीं खरीदना, और सैटरडे के दिन स्पेशली चमड़े के जूते आपको नहीं खरीदने चाहिए।
काले रंग के जूते तो स्पेशली आपको नहीं लेने चाहिए। आज भी लोग सबसे पहले ब्लैक कलर के सैंडल्स शूज खरीदते हैं, क्योंकि वो सारे कपड़ों के साथ जनरली माना जाता है। एक मिडिल क्लास आदमी या फिर एक हाई सोसाइटी में भी ब्लैक तो चाहिए ही। तो दोस्तों ब्लैक कलर ऐसी चीज है, शनि देवता का वास होता है काले रंग में, और शनिवार के दिन अगर आप काले रंग की कोई भी कपड़े या जूते आदि खरीदते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायक होता है। शनिवार के दिन आपको काले रंग की चीजों का दान देना चाहिए, खरीदने से आपको कार्यों में असफलता मिलने लगती है। दोस्तों साथ ही साथ अनाज पीसने की चक्की या मिक्सी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले ज़माने में चक्कियाँ हुआ करती थी, अब हम मिक्सीज रखते हैं घर पे। और दोस्तों मिक्सी को सैटरडे के दिन नहीं खरीदना चाहिए। एक तरफ आटा पिसवाना शनिवार के दिन बहुत शुभ माना जाता है। आप उसमें 11 तुलसी के पत्ते डाल दें, एक मुट्ठी काले चने डाल दें, और उस आटे को अगर आप पिसवाते हैं शनिवार के दिन और अपने घर पे आप उसको काम में लेते हैं तो आपके घर पे दिन दुनी रात चौगुनी बरकत पड़ती है। लेकिन दोस्तों आपको कभी भी सैटरडे के दिन मिक्सी नहीं खरीदनी चाहिए, इससे परिवार में तनाव आता है और इस आटे से बना हुआ भोजन रोगों को इनविटेशन देता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों झाड़ू सैटरडे के दिन, मैं हमेशा बताती हूँ, अब इस पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होने वाली है, हमेशा बताती हूँ कि मैम शनिवार के दिन आप झाड़ू उपयोग में लाएं। घर में सबसे पहली झाड़ू शनिवार के दिन आपको रखनी चाहिए, वो लकी होती है। लेकिन दोस्तों शनिवार के दिन आपको झाड़ू खरीदनी नहीं है। झाड़ू से घर साफ होता है, निर्मल बनता है, नेगेटिव एनर्जी घर के बाहर जाती है, हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी का आगमन होता है। लेकिन झाड़ू खरीदने के लिए सैटरडे का दिन उपयुक्त नहीं माना जाता। ऐसी मान्यता है कि शनिवार को झाड़ू लाने से घर में दरिद्रता का आगमन होता है। दोस्तों किस दिन लाते हैं झाड़ू? कड़े वारों के दिन झाड़ू लानी चाहिए। कड़े वार कौन कौन से होते हैं? मंगलवार, शनिवार और रविवार। अब शनिवार को लानी नहीं है झाड़ू, तो आपको किस दिन लानी है? आपको संडे या ट्यूसडे के दिन झाड़ू लानी चाहिए घर में। तो ध्यान रखें ये चीज़ें दोस्तों, अपने जीवन से शनि दोषों को दूर करके रखें, अपने कर्म अच्छे करें, झूठ ना बोलें, चुगली ना करें, किसी की बुराई ना करें, अपनी लाइफ खुद जिए, बी योर ओन बॉस। अब दूसरों की लाइफ में, दूसरों के मामलों में दखल अंदाजी करने का कोई मतलब भी नहीं है। इससे सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है। इसलिए बेटर है अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, अपने आप को क्रिएटिव और कैसे बना सकते हैं इस पे ध्यान दें, और फिर देखिए दोस्तों आपकी लाइफ कैसे बम बम हो जाती है। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। और हाँ दोस्तों, किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे, वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज़ पूछ ले, वरना अगर कुंडली वगैरह है तो मंडे नाइट को 11 बजे आप मुझे लेटेस्ट वीडियो पे पूछ सकते हैं। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें, लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की।